कटनी जिले की विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डोकरिया में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस का साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विधायक संजय सतेंद्र पाठक पहुंचे हैं। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी नृत्य में शामिल होकर विधायक स्वयं आदिवासियों के साथ थिरकते नजर आए हैं। इस मौके पर उनके साथ आदिवासी जनजाति समाज मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष सोहनलाल चौधरी और अरविंद कुमार विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर संजय पाठक ने 5100 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की और विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बिरसा मुंडा की प्रतिमा और मंदिर स्थापित किए जाने के लिए 5,00,000 रुपए विधायक निधि साथ ही अतिरिक्त राशि स्वयं देने की बात कही है। रामचंद्र की आज बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर जयंती तो 15 तारीख को हो गई, लेकिन चूंकि 15 तारीख को प्रधानमंत्री जी आए थे और जनजाति समाज के लिए आदिवासी समाज के लिए आपके समाज के लिए पूरे मध्य प्रदेश में तो खैर है ही पूरे देश में बहुत बड़ी उपलब्धि देखी गई कि 15 नवंबर को अब जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा पूरे भारत में और सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए और भी एक खुशखबरी दे गए कि अब जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर बिरसा मुंडा जी की जयंती के शुभ अवसर पर अब शासकीय अवकाश भी रहेगा, ये बड़ी उपलब्धि होगी। इसके साथ साथ अब जब जंगल जमीन पे आपका अधिकार होगा ये तो था ही, साथ में उन्हें ढेरों मध्य प्रदेश सरकार ने भी केंद्र सरकार ने आप लोगों के लिए समाज के लिए गरीबों के उत्थान के लिए आदिवासी जनजाति समाज के उत्थान के लिए 50वीं योजना प्रारंभ की। हम सुन रहे थे देख रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण कि देखो ये व्यक्ति के अंदर इस इंसान के अंदर ऐसे जैसे कोई देवदूत तो आया है, हर वर्ग में इतनी चिंता रहती है, सबके लिए सोचते हैं सबके लिए करते हैं और उसी का अनुसरण करते हुए भोपाल की सभा का अनुसरण करते हुए अपने डुकरिया वालों ने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया और हमको तो ये दर्शक बोले कि